दोस्तों हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। आज धरना प्रदर्शन का 8वें दिन क्या कुछ हुआ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले शुरू होता है जी कि रांची जिला प्रशासन के द्वारा एक नोटिस थमाया गया है जितने भी धरना प्रदर्शन करें उन सभी छात्रों को कि जो है कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए जो है जितने भी धरना प्रदर्शन है उन सभी को जो है ख़त्म करने का नोटिस दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आज भीड़ कम थी, दोस्तों याद रखिएगा आज भीड़ कम थी जिसके कारण जो है जिला प्रशासन रांची के द्वारा जो है नोटिस थमाया गया और धरना प्रदर्शन को जो है जल्द से जल्द खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया गया। फिर भी छात्र डटे हुए थे। फिर इसके बाद अम्बा प्रसाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं बड़का गाँव के उनका आना, फिर क्या कुछ बातचीत हुई। इसके बाद देर शाम जो है गोमिया के विधायक और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री मोदर माता का आना, फिर क्या कुछ बातचीत हुई। इसके बाद जो है एजी साहब से मीटिंग होने वाली है, इस पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कार्मिक के साथ मीटिंग होने वाली है, इसमें जो प्रतिनिधि मंडल रहेंगे पंचायत सचिव के, इन सारी चीज़ का एक एक चीज़ मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पंचायत सचिव विद्यार्थी ईश्वर से कामना करते हैं कि हेमंत सरकार को हिम्मत और सद्बुद्धि दे हमारे ठोस कदम उठाने के लिए साथ ही साथ सारी कर्मचारियों को जैसे कि एजी साहब सब हाथ बढ़ा लीजिए ना, इसे सब हाथ ऐसे बढ़ा लीजिए ना। सारी बहानेबाजियों के लिए हम स्वाहा करते हैं, अज्ञान स्वाहा, आश्वासन स्वाहा। पहले जो 19 अक्टूबर को आज जो है यज्ञ हुई यानी हवन हुआ उस धरना स्थल पर, ताकि जो है सरकार को सद्बुद्धि दे और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है खासकर पंचायत सचिव के इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जो है मेरिट लिस्ट इसका जारी कर दे। इसके कारण जो है हवन किया गया सभी पंचायत सचिव के विद्यार्थियों के द्वारा। हवन होने का वीडियो आपने देख लिया होगा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसके बाद आपने देखा वीडियो में कि अम्बा प्रसाद आई थी, उनसे जो है बातचीत हुआ पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का, और वो खुद भावुक हो गई क्योंकि ये जो मामला जब उनके पता चला कि पिछले 3 सालों से विद्यार्थी इस प्रकार से वेट में है और इस तरह से डिप्रेशन में छात्र गुजर रहे हैं और सरकार की ओर से कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ये भी जो है भावुक हो गए। हालांकि फिर आश्वासन ही मिला है और ये आश्वासन दिए हैं कि सरकार से बात करेंगे। हालांकि दोस्तों सत्ता पक्ष से बिलोंग करते हैं क्योंकि JMM के बड़का गाँव के विधायक हैं और पूर्व मंत्री जोगिंदर साहु की बेटी है और ये खुद भी दिल्ली में रहकर प्रशासनिक की तैयारी कर चुकी है, तो इन्हें जो है छात्रों के दिक्कत को और प्रॉब्लम को अच्छी तरह से इनके पता होगा दोस्तों। इस कारण सभी चीज़ों को ध्यान से सुनी, एक एक पहलुओं को ध्यान से सुनी और कही कि सरकार के समक्ष हम इस बात को अवश्य रखेंगे। कुछ बातचीत हुई हर एक चीज़ मैं आपका आने वाले वीडियो में दे दूंगा क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तब तक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बातचीत का एक एक चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। फिर अगला बात करते हैं दोस्तों, देर शाम को जो है गोमिया के विधायक और आसू पार्टी से बिलोंग करते हैं श्री लंबोदर महतो, जो पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और इनका जो पेयजल विभाग में ये मुख्य अधिकारी थे और जो है चुनाव से जस्ट पहले ये जो है प्रशासनिक अधिकारी का पद त्याग इस्तीफा देकर जो है चुनाव लड़े थे और गोमिया से विधायक चुने गए हैं आसू से, यानी कह सकते हैं अभी विपक्ष में। फिर भी जो इन्होंने कहा कि एजी साहब से कार्मिक विभाग का मीटिंग है कल यानी 20 अक्टूबर को, और दोस्तों अभी 2 दिन का समय मिला है, 2 दिन बाद ही जो है जिला प्रशासन इन धरना प्रदर्शन अधिकारी जो धरना प्रदर्शन जो विद्यार्थी हैं इनको हटा सकती है, 2 दिन का समय दिया गया है। तो दोस्तों आज जिस प्रकार से कम संख्या थी इस कारण दबाने का भरसक प्रयास किया गया है, इसलिए मैं सभी छात्राओं से और सभी छात्र से इस आग्रह करूंगा कि आप जरूर आइए, 2 दिन बहुत ही क्रूशियल दिन है। अगला 2 दिन 20 और 21 पूरे मेहनत का परिणाम दिखने वाले है 20 और 21 अक्टूबर को, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे फिर अगले 2 दिन तो हो सकता है कि प्रशासनिक जिला प्रशासन के द्वारा इस धरना प्रदर्शन को कुचल दिया जाएगा कम संख्या को देखते हुए, और कम संख्या होने से कहीं भी ना न्यूज़ बनती है ना कुछ बनती है, दबा दिया जाता है दोस्तों। अभी अच्छा समय है, चुनाव का समय है, कुछ भी नहीं करने वाली है पुलिस, आप इतना मान लीजिए कुछ नहीं करने वाली है, अदरवाइज जो है सरकार पर नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो आप जरूर आएँ, अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल होने वाली है, क्या कुछ बातचीत होगी, आप जो है वहाँ के मौजूद जितने भी लीडर हैं उनको आप अपना जो है राय दे सकते हैं, और सभी से मैं आग्रह करूँगा कि इस बार जो है आप लोगों को मेरिट लिस्ट का बात करना है। 11 विधायकों का एक टीम बनने वाली है जिस प्रकार से खबर मिली है, और वो जो जल्द JTET और पंचायत से मिलेंगे, लेकिन आश्वासन से नहीं मानना है,
और जो आप लोगों को बस मेरिट लिस्ट निकालने का कहना है, आप मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, अब ये धरना प्रदर्शन तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों आश्वासन का स्वाहा तो कर दिए हैं, सभी ने जय और आज जिस प्रकार से हवन हुआ था उसमें आश्वासन और संज्ञान को तो स्वाहा कर ही दिए हैं, तो यही उम्मीद है कि आप लोग जो है आश्वासन से मानने वाले नहीं है। और सही में दोस्तों जब इतना आपने मेहनत की है तो आप क्यों अभी पीछे हटेंगे, इसमें भी इस तरह का एकजुटता हो सके होगी या फिर नहीं। अभी जब आप लोगों का बना हुआ इस तरह से अच्छी एकजुटता, इस तरह अच्छी टीम भावना बन चुकी है, तो इस तरह इसको बनाए रखें। गैरों तो विधायकों का टीम बने या जितने विधायकों का टीम बने इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को बस मेरिट लिस्ट चाहिए तो बस चाहिए, आप लोग लगे रहिए, आप लोग बस मंजिल के करीब हों। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं गए थे कृपया 2 दिन जरूर जाएं, आपको लेके आना है खुशखबरी, लेके आना है अगले 2 दिन, क्योंकि अच्छे अच्छे विधायक और हो सके तो सीएम हेमंत सोरेन भी खुद मिलने वाले हैं। मेरे बात को ध्यान दीजिए, जरूर आएंगे सीएम हेमंत सोरेन बात करने, और आप जरूर आइए क्योंकि भीड़ होगी तो आपकी जो अच्छी न्यूज बनेगी। जितने भी मीडिया है मीडिया में आएंगे, कोई जो प्रिंट मीडिया में आएंगे ये खबर, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको पता होगा दोस्तों 20 और 21 अक्टूबर के बीच जो है कार्मिक और जेएसएससी का जल्द से जल्द अभी मीटिंग भी होने वाली है, ये जो है इंटरनल सोर्सेस से खबर मिली है। तो दोस्तों आप जरूर आएँ, इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं, आखिरी स्टेज में है यह धरना प्रदर्शन। सभी लोगों से हम यही आह्वान करते हैं कि आप आइए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगी, किसी भी तरह का कोई भी कुछ अहिंसक काम नहीं होगी, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से सभी पंचायत सचिव का अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, तो आप भी आइए ताकि संख्या बल कहता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बाकी जितने भी वीडियो है आप आगे देख सकते हैं इस तरह का क्या क्या कार्यक्रम हुई थी आज पूरे दिन भर। चलिए धन्यवाद, जोहार झारखंड, होप फॉर द बेस्ट, धन्यवाद।